हेलो प्यारे बच्चों, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको गणित की जो कक्षा 4 के बच्चे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वर्ष 2023-24 के लिए जारी की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, टोटल आपके 14 चैप्टर हैं और एक आपका 15वां जो नंबर है वो परिशिष्ट है। तो हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन तो बताएंगे ही, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज की इस वीडियो में पाठ क्रमांक 1, जो कि ईंटों से बनी इमारत। ओके, ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 से शुरू होगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे लंबा और छोटा, ऐसे हम सॉल्व करते चलेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को, अगर आपने कक्षा 4 हिंदी की नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर हमने कक्षा 4 हिंदी के 1 से अध्याय 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, चैनल के चैनल पर जाओगे ना, इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। चलिए आज की इस वीडियो में पार्ट 1 शुरू करते हैं, ईंटों से बनी इमारत। ओके, तो ये आप पढ़ लेना, ये किस प्रकार आपको ये कर लेना है, क्योंकि मैं आपको आंसर से ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपको पहले लंबा चौड़ा दिया जाएगा, फिर ये आपको आकृति खड़ी तिरछी कैसी होती है, जैसे खड़ी है ये सीधी है, ये तिरछी है, ये मुड़ी हुई है। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ से ये मुड़ रही है, यहाँ से जाकर ये मुड़ जाती है, ये तिरछी है। अगर ऐसी होगी तो भी वो तिरछी होगी, है ना। तो ये आपको रेखा जो, जैसे दो सीधी रेखाएं हैं, तो यहाँ पर ये दो सीधी रेखाएं ऐसी हो सकती हैं, दो सीधी रेखाएं ऐसी हो सकती हैं, है ना। दो तिरछी रेखा तो ऐसी कर दी हैं, ऐसी भी हो जाएंगी दो तिरछी रेखाएं। दो मुड़ी रेखा यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो 2D 2D आकृति में आकलन करना है, तो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से ही हम अपहिल करने लगिएगा। आप देखिए चित्र में कितने त्रिभुजाकार हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज आप बच्चों देखोगे तो एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर, एक ये 4 ये हो गए, फिर एक ये 5, एक ये 6 और एक ये 7, तो 7 कर दोगे। चित्र में कुल कितने वृत्त हैं, तो ये आपको यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, यानी एक वृत्त है। इसके बाद चित्र में कितने आयत हैं, तो यहाँ पर आपको 3 कर देना है। अब आयत कहाँ पर देखेंगे, तो आयत आपको ये एक तो ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा, है ना। फिर इसके बाद आपको एक ये दिख गया, फिर एक ये है और एक ये है, ठीक है। इस तरीके से आयत हो जाएगा। इसके बाद चित्र में कितने वर्गाकार हैं और वृत्ताकार, 3 और 4 कर लेना। इसके बाद देखिए आपका जो प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए यहाँ पर पहला है कि पानी को एक प्रत्येक पासे की एक प्रत्येक सतह दिखती है, तो पासे की जो प्रत्येक सतह होती है वो किस तरह की दिखती है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इस तरीके की दिखती है। तो यहाँ पर आपको देखिए हमने सी कलर किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपको कलर करना है। इसके बाद देखिए कमरे में सतहों की संख्या होती है, तो कमरे में सतहों की संख्या होती है तो ये आपको पता होगी 6 होती है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला यहाँ पर कलर है, आप पेन से कर सकते हो। इसके बाद देखिए ईंट कैसी दिखती है, तो ईंट कैसी दिखती है, तो इसका आंसर है डी, ईंट इस तरीके की दिखती है। ओके, यहाँ पर आपको ये भर देना। इसके बाद देखिए चौथा, एक ईंट 4 रुपये की आती है, 1000 ईंट की कीमत होगी, तो एक ईंट कितने की आती है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो 4000 कितनी होगी, 1000 में 4 का इंटू करेंगे तो 4000 आ जाएगी, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर भर देना। इसके बाद देखिए 5, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है, अब नए आकार में कुल कितने कोने होंगे, तो यहाँ पर आपको कोने कर देना है, तो ये 8 कोने होंगे, ऑप्शन बी कर देना। अब प्रश्न 6 देखिए, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने शीर्ष होते हैं, तो एक पूर्ण ईंट में 8 कोने शीर्ष होते हैं, जो एक पूर्ण ईंट होती है उसमें 8 कोने और शीर्ष होते हैं। ये आप ईंट बना सकते हो इस तरीके के, आपको पहले इस तरीके, ये आपको इस तरीके का बना लेना है, फिर आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से ईंट आपकी बन जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 आपसे पूछा गया है, ईंट की सतह किस आकार की होती है, तो ये आयताकार आकार की होती है, ईंट की सतह आयताकार। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, एक ईंट को अलग अलग तरफ स्थितियों से देखने पर हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं, तो हम उसके 2 सतहों को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 9, 100,000 में कितने लाख होते हैं, ओके 100,000 में कितने लाख होते हैं, तो उत्तर लिखेंगे 100,000 में कितने लाख होते हैं, तो 100,000 तो 100 लिख दिया और 1000 लिख दिया, ठीक है। लाख कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा लाख, ये लाख लिख दिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये कितने लाख होते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2-3 बिंदी हैं, 2-3 बिंदी हैं, तो इतने लाख होते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसको उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए एक ईंट लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई हमने कोई एक सिंपल सी ये ईंट है जहाँ पर ये रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके की, तो उसकी हमने लंबाई मापी तो 22 सेंटीमीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, आपको ये अपने हिसाब से करना है। ओके चलिए प्रश्न 11 देखिए,
प्रश्न 11 है कि यदि एक ईंट 5 रुपये में आती है तो 1200 ईंटें कितने रुपये में आएंगी। तो उत्तर लिखेंगे 8 ईंट की कीमत 5 रुपये है, तो 1200 रुपये ईंट का मूल 1200 इंटू 5 यानी कि 6000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितनी ईंट आएंगी। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, एक ऑटो में ईंटें 800 आएंगी, तो 12 ऑटो में कितनी आएंगी, 12 इंटू 800 यानी कि 96,600, अतः 12 ऑटो में 9600 ईंटें आएंगी। ठीक है, प्रश्न 12 के बाद प्रश्न 13 देखिए, अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, चित्र बनाइए। तो अपने घर व आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए कितने पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके का आपको बना देना है। प्रश्न 13 के बाद प्रश्न 14 देखिए, एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए, तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 500 ईंटों का मूल्य कितना है, 5000 रुपये, तो एक ईंट का मूल्य कितना होगा, 5000 अपॉन 500 यानी कि 10 रुपये। तो एक ईंट का मूल्य हमें कितना मिल गया, 10 रुपये मिल गया। इसके बाद देखिए प्रश्न 15, सलीमा ने बिक्राबाद से ईंट खरीदना तय किया, नई ईंटों से 2000 रुपये प्रति हज़ार ईंटों के हिसाब से खरीदी, यदि उसने 6000 ईंटें खरीदी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप इसको उत्तर लिखेंगे, 1000 ईंटों का मूल है 2000 रुपये, तो 6000 ईंटों का मूल होगा 6 × 2000 बराबर 12000 रुपये, अतः 6000 ईंटें खरीदने के लिए 12000 रुपये देने होंगे। इस तरीके से प्रश्न 15 का उत्तर आपको कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 16 है। प्रश्न 16 देखिए, मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है, एक तसले में मजदूर एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा। तो एक बार में ईंटें लाता है 10 ईंटें, तो 200 ईंटें आएंगी 200/10 यानी कि 20 बार में आएंगी 200 ईंटें, अतः मजदूर 20 बार में 200 ईंटें लाएगा। ओके, अगला देखिए प्रश्न 17। प्रश्न 17 है कि साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है, एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक कतार में कितनी ईंटें लगेंगी। तो एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मीटर कतार में ईंटें होंगी 100/10 यानी कि 10 ईंटें, तो 2 मीटर कतार में होंगी 2 × 10 यानी कि 20 ईंटें। ओके, दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बताइए, तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग पैटर्न इस तरीके से बताए हैं, तो आप इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर प्रश्न 19, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है, बताइए ऐसे कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाए कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की जो आवश्यकता होगी वो 72/3 यानी कि 24 मीटर होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न 20 की, एक बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी तीन सतह नज़र आएँ, है ना। तो ये हमने यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया है। इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में अध्याय एक कंप्लीट कर लिया है, जो कि लर्निंग 8 आउटकम आपको दी गई थी। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, लंबा और छोटा का सॉल्यूशन। और अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।